आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं चैलेंजर अवार्ड के लिए। हमारे सामने सभी स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, इनमें से हम ढूंढेंगे चैलेंजर ऑफ मंथ जुलाई। चलिए हम अपने सभी स्टार परफॉर्मर से मिलते हैं। सबसे पहले पृथ्वी जी, वंस अगेन स्टार परफॉर्मर, ये हमारे दोनों चैलेंजर्स की विनर है और इस बार देखेंगे, यस क्लैपिंग तो बनती है, और हम इस बार देखेंगे कि कौन बनता है चैलेंजर जुलाई 2024। प्रीति जी अपनी हैट्रिक कंप्लीट कर दी है या आप में से कोई विनर होता है? प्रीति जी कैसा लग रहा है? मेरे को तो आज बहुत डर लग रहा है इसलिए कि मैं दिल से चाहती हूँ कि हैट्रिक मारूं, क्योंकि अगर नहीं मारूंगी तो बस फिर यही लगा रहता है। कोई बात नहीं, हमारे मन भी है आगे पर पूरे बेस्ट ऑफ लक प्रीति जी, थैंक यू, डरना नहीं है, ओके बिल्कुल। हाँ जी जी, ये है हमारी यंग योगिनी तमन्ना जी। तमन्ना जी कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है, क्योंकि प्रीति जी सामने है तो कोशिश करूंगी उनसे आगे बढ़ने की। बिल्कुल तमन्ना जी हमारी सेंटर की सबसे ग्रेट फाइटर है। बहुत जबरदस्त इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बट लेकिन ये चैलेंजर अवार्ड में पार्टिसिपेट कर रही है और ये अपना बेस्ट देंगी, क्यों तमन्ना जी? बिल्कुल, वेरी गुड तमन्ना जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और ये है हमारी सबसे सबसे प्यारी लेडी मीनू जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और यहाँ पे इन सबके साथ खड़ा होना ही अपने आप में एक विनिंग वाली फीलिंग दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टार परफॉर्मर बनना, पूरा महीना रेगुलर आना, इट्स नॉट अ जोक। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्टार परफॉर्मर बनना, आप सभी मेरे लिए विनर्स हैं और देखते हैं कि चैलेंजर कौन बनता। यस यस, सभी के लिए तालियां, परफेक्ट। और ये जी हमारे सबसे प्यारे प्रोमिला जी, हमारे सेंटर की यंग लेडी, कैसा लग रहा दी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई पर मेरे को इनको सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक्स फॉर कमिंग। और ये है हमारी ऑसम लेडी, ऑसम योगिनी, हमारी सेंटर की बहुत ही प्यारी लेडी। हाँ जी जी, सुमन जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इन सबके साथ करना विनिंग का वो भावना बहुत अच्छी लग रही है कि कोशिश करेंगे, करें, अपना बेस्ट दें। यस यस, अपना बेस्ट देना है और पूरे एफर्ट लगा देने हैं, क्योंकि ये आपकी एबिलिटी का टेस्ट है, ये आपकी स्ट्रेंथ पावर का टेस्ट है, और सबसे बड़ी बात आपकी विल पावर का टेस्ट है। ओके जी, और ये है हमारे सेंटर के अलका जी, क्लैपिंग कर दिया करो, हर एक के बाद क्लैपिंग कर दिया करो। कैसा लग रहा है अलका जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश करूंगी कि मैं विनर बनूं। अरे वाह, वेरी गुड, मेरे लिए आप सभी विनर हो, रियली। बस देखेंगे कि चैलेंजर की ट्रॉफी किसके हाथ में जाती है। और ये है हमारे हिमानी जी, देखिए जी, जॉब के साथ साथ स्टार परफॉर्मर बनना बहुत बड़ी बात है। पूरे सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक, अच्छा 7 बजे तक, 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जॉब करके उसके बाद फिर प्राणायाम पे आना, पावर योगा भी करना, माइंड ब्लोइंग। क्लैपिंग बनती है जी, कैसा लग रहा है हिमानी जी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और अब मेरी बॉडी ना फिजिकली और मेंटली दोनों ही बहुत लाइट फील कर रहे हैं, और थैंक यू सोनिया जी। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि मैं फर्स्ट टाइम स्टार परफॉर्मर बन रही हूँ और कोशिश भी करूंगी कि मैं इसके चैलेंजर के लिए भी विनर बनूं। वेरी गुड, यही जज्बा चाहिए। चलिए मुस्कान माय डार्लिंग, ये मुस्कान पिछली बार भी हमारे स्टार परफॉर्मर थे और इस बार भी, वेरी गुड। हाँ जी, कैसा लग रहा है मुस्कान आपको? बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है और ये मेरा सेकंड टाइम है और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूं और अपना 100% देने के लिए रेडी। थैंक्स फॉर कमिंग डियर। और ये है हमारी सेंटर की चुलबुली,
गया। कैसा लग रहा बेटा जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मेरा लास्ट टाइम मिस हो गया था, इस बार मैं बहुत डिटरमिंड थी कि इस बार मैं इस कॉम्पिटिशन में जरूर पार्ट लूंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। चलिए, ये हमारे यंगेस्ट योगिनी, हमारी यंगेस्ट योगिनी आशा जी। आशा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं विनर तो नहीं हूँ, बट वो तो फाइनली है ही। पर कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि यंग ब्लड के साथ पार्टिसिपेट करने से, कंपटीशन लड़ने से आप जवान हो जाते हो। और जवान देखिए, हमारे सफेद बालों को मत देखिए, आप हमारी परफॉर्मेंस देखिए। रियली क्लैपिंग तो बनती है सभी की। और ये जी हमारी स्वीट स्वीट योगिनी अनीता जी, कैसा लग रहा है डियर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और लास्ट टाइम 4 पॉइंट से रह गई थी, तो इस बार पूरी कोशिश है कि हैट्रिक तो नहीं होने दूंगी। यस बिल्कुल जी, देखिए जी ये जज्बा तो होना चाहिए, क्योंकि आज काफी लोगों के मन में है कि प्रीति जी की हैट्रिक ना हो। यस, प्रीति जी के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, नो डाउट, बट यस बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे पॉजिटिवली, ओके। और ये तो हमारी फैशनिस्ट है ही, ग्रेट फैशनिस्ट। देखिए जी, एक भी दिन छुट्टी ना करके स्टार परफॉर्मर अवार्ड जीतना और उसके बाद चैलेंजर कंपटीशन में भी आना, क्योंकि अभी मेरे पास 7 ऐसे स्टार परफॉर्मर्स भी हैं जो आज नहीं आ सके हैं किसी ना किसी एंगेजमेंट की वजह से, क्योंकि स्टार परफॉर्मर बनना अपने आप में चैलेंज है, पर लेकिन सैटरडे को टाइम निकाल के आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ओके, क्योंकि फैमिली टाइम होता है और फैमिली टाइम में से निकाल के आना बहुत बड़ी बात। तो संगीता जी कैसा लग रहा है आपको? एक तो मुझे जी मत बोलिए। ओके संगीता डार्लिंग, लाइक सबकी तरह मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, बट फीलिंग बहुत ऑसम है कि मैं हूँ यहाँ और मैं अपना बेस्ट दूँ। यस, क्लैपिंग 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 फॉर मैं, हम सभी रेडी हो जाते हैं चैलेंजर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2024। हाउ द जोश। चलिए रेडी। Yes.
इसी वजह से इनकी बाजू टेढ़ी हो गई है, इसलिए नहीं होती है, इनकी जो थोड़ा थोड़ा जमा शुरू हो गया है, तो फिर भी ये अपनी पूरी मेहनत पूरी हिम्मत को इकट्ठा करके फिर पार को स्ट्रॉन्ग करके इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही है और हम सभी तालियों से इसका स्वागत करेंगे। चलिए कमना भी मुझे दोस्तों का आगे हमारे अगले साल।
लव यू। नेक्स्ट स्टार परफॉर्मर है आशा जी, आइए और अपना सम्मान लीजिए। बहुत बहुत मुबारक दी, आप आते हो अटेम्प्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी अगली स्टार परफॉर्मर है माय डियर डार्लिंग सुमन। बहुत बहुत मुबारक स्वीटहार्ट, लेते हैं हम अपने स्टार परफॉर्मर अनीता जी का जोरदार तालियों से स्वागत। कांग्रेचुलेशंस डियर, और साथ ही में इनको हम देंगे चैलेंजर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2024। लाइए जी इनका मोमेंटो ले आइए। बहुत बहुत मुबारक डियर,